नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25,000 का फरार इनामी राजन किया गिरफ्तार। खबर जनपद एटा से, आपको बता दें 25,000 का इनामी अपराधी राजन को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में इनामी लुटेरों चोरों के विरुद्ध चला रहे अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाना पिलुआ क्षेत्र में हुई आलू से भरे ट्रक में लूट के दौरान पुलिस मुठभेड़। जी हां, पुलिस मुठभेड़ में वांछित चल रहे 25,000 रुपए की इनामी अभियुक्त राजन को एटा पुलिस ने प्रयुक्त अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एटा से आमिर हयात की रिपोर्ट। सर, एक 25,000 का इनामी पकड़ा गया है, क्या क्या आपराधिक मामले इसके ऊपर रहे हैं? ये थाना कोतवाली देहात पुलिस और क्राइम ब्रांच स्वाट सर्विलांस टीम ने चेकिंग के दौरान राजन नाम से एक 25,000 रुपये के साथ एक इनामी अपराधी को आज पकड़ा है। इसके कब्जे से समूचा कारतूस भी बरामद हुआ है। पहले पिलुआ क्षेत्र में एक हाईवे पे ट्रक लूट की घटना, जिस पर 600 बोरी से अधिक आलू लूटी हुई थी, कानपुर ले जा रही थी, उसको बदमाशों द्वारा लूटा गया था। 8 आरोपी उसमें पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके भेजे गए थे। ये राजन नाम का बदमाश, ये तभी से फरार चल रहा था, इसीलिए इसको 25,000 रुपये का इनाम पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। तो आज इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और समूचा कारतूस जो ये उस घटना में इसने इस्तेमाल किया था, उसके साथ में इसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भेजा जा रहा है।